हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टू मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू 5.4 पार्ट वन। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें एक एक्सरसाइज में मैं दो दो पार्ट्स में करवा रहा हूँ। वो इसलिए करवा रहा हूँ कि दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि 5.4 जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। तो जो इसका पहला पार्ट जो आज हम करेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट। और जो हम अगली वीडियो में यानी कि कल करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरीके से बेटा जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली क्या है, इनकी जरूरत पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, क्यों ये सारा कंसेप्ट आया, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं उन्हें समझना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग के अंदर बेसिक बात से शुरू करते हैं कि अगर एक्स की रेस टू पावर मेरे पास 2 है, y is equal to x square है, तो बेसिकली हमारे पास जब दोनों में से x और y में से एक का स्क्वायर हो और एक का ना हो तो ये कौन सा फंक्शन होता है? यस, ये पैराबोलिक फंक्शन होता है। तो सपोज करो कि मैंने अभी सिर्फ x पॉजिटिव ही ले रखे हो, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जैसा ग्राफ बनेगा पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे x की रेस टू पावर 2 की जगह पे y इज इक्वल टू x की रेस टू पावर 3 कर दूं तो ये ग्राफ और ऊपर चले जाएगा ऐसे। ठीक है, अब y इज इक्वल टू x की वैल्यू में 4 कर दूं तो ये ग्राफ और ऊपर उड़ जाएगा। तो बेटा अगर मैं सपोज करूं यहां पे आपको लेके बताता हूं, अगर x की वैल्यू में 2 ले लूं तो 2 के ऊपर मैं ये सारे कर्व्स पे आपको वैल्यूज लेके बताऊंगा कि बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यूज जा रही हैं। देखो ये था एक्स स्क्वायर का, ये एक्स क्यूब का और ये एक्स फोर का। तो एक्स की रेस टू पावर सपोज करो कि अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 8 और यहां पे आएगा 16। यानी कि हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो यहां पे क्या आ रही है 4, इसके सामने क्या आ रही है 8 और इसके सामने आ रही है 16। तो देख रहे हो ना किस हिसाब से फंक्शन जो है वो ऊपर को उठता जा रहा है, यानी कि स्लोप जो है वो स्टीप हो रही है, मतलब ऊपर को उठ रहा है y की तरफ, y की तरफ जो है फंक्शन जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये तो कर्व्ड मोशन है ना, और हमें एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए था जो इससे भी ज्यादा स्टीप हो, मतलब जैसे तो ये बढ़ रहा है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो अगर मैं कोई फंक्शन लूं, अब ध्यान से देखना मेरी बात को, अब मैं एक्सपोनेंशियल पे आ रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर x, y इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर x, तो यहां पे अगर x की वैल्यू आप लेते हो 1, अगर x की वैल्यू लेते हो 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये बेटा चेक कर लेना, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं मैं कि अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और सिर्फ 1 से 2 करो x को, मतलब एक वैल्यू बढ़ाओ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अगर x की वैल्यू आप 3 करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 125, 100 का फर्क, ये देखो 20 का फर्क, फिर 100 का फर्क। यानी कि जब अगर कभी जिंदगी के अंदर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तो ये देखो, अब x की वैल्यू 1 थी, 1 पे हमारे पास यहां पे 5 के सामने वैल्यू थी, और जब 1 के बाद हमारे पास वैल्यू यहां पे हमने पुट करी 2 एक्स की, तो ये चलेगा भाई साहब यहां पे, तो कितना 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 स्टीपर, ये तो इससे कहीं ज्यादा स्टीपर है। तो इस तरीके के फंक्शन को जो काफी ज्यादा स्टीप हो, जो काफी ज्यादा एग्रेसिवली इंक्रीज करे, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म है मैं लिख के बता रहा हूं आपको, जनरल फॉर्म
ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटा इसको समझना कि जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू a की रेस टू पावर x, वेयर a इज कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड ग्रेटर देन वन, यानी कि जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अगर a की वैल्यू वन से छोटी हो गई, यानी कि जीरो पॉइंट समथिंग में अगर कोई मैं वैल्यू लूं, तो अगर मैं उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो बजाय उसकी वैल्यू बढ़ने की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कंसेप्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं a की वैल्यू वन से छोटी लेता हूं, यानी कि जीरो पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा, देखो अगर a की वैल्यू मैं लेता हूं सपोज करो 0.5, तो 0.5 का अगर a का स्क्वायर करूंगा तो वो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.25 है, यानी कि ये इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये कंडीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो भी आपका यहां पे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इस केस के अंदर जैसे मिली y इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर x, तो जो 5 था दैट वाज ग्रेटर देन 1, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दिस विल बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म थी। अब कई लोगों को जो है वो यहां पे बहुत बड़ा एक जिसको बोल सकते हैं ना गलत फहमी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ y इज इक्वल टू e की रेस टू पावर x को ही बोलते हैं, तो ये ब्लू में इसलिए लिख रहा हूं कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल हो, ये सभी एक्सपोनेंशियल है, ऑल ऑफ दीज थ्री आर एक्सपोनेंशियल। अब e है क्या, अब बोलोगे भाई आपने बोला था कि a की वैल्यू जो है वन से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या यहां पे e की वैल्यू वन से बड़ी है, तो मैं आपको बताता हूं कि e है क्या बेसिकली। तो उसके लिए हम ये मिटा देते हैं ऊपर वाला ग्राफ, तो e बेसिकली है क्या, मैं यहां पे बता दूं कि e की वैल्यू होती है 1 + 1/2 factorial, 1/3 factorial, up to so on। तो इसकी वैल्यू जब आप चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो 2 से बड़ी होगी, e विल बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो इट विल बी सम 2.303 के आसपास। ये ज्यादा जो है हम फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये e की वैल्यू जो है 2.303 होती है, इसलिए हम इसको यहां पे यूज करते हैं। तो ये जो है e भी हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, बेसिक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी ये फॉर्म होती है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की रेस टू पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार चीज यहां पे समझने वाली है, वो मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं स्टार, वो ये है कि एवरी एक्सपोनेंशियल, every exponential function is 1 at x is equal to 0। अब ये तो आपको पता है कि दुनिया में किसी भी चीज की चाहे 2 करोड़ हो, उसकी भी रेस टू पावर अगर आप करते हो 0, तो आंसर आएगा 1। अब अगर आप x की वैल्यू जो है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप x की वैल्यू जो है वो 0 लेते हो, एक्सपोनेंशियल कोई सा भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, किसी भी फॉर्म को हो, सबका आंसर वन है। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इसको हम यहां पे ग्राफिकल फॉर्म में मैं बना के समझा रहा हूं आपको। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल समझना बेटा हर चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज करो कि मैंने यहां पर ग्राफ बनाया, यहां पर एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है, तो ये तो पक्का हो गया कि जब x 0 होगा तो y 1 ही होगा किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। यानी कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है यहां पे विच इज 0.1, तो ये दुनिया में कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो उसमें जरूर लाई करेगा। यानी कि कोई भी ग्राफ हो, कोई भी, वो इस पॉइंट में से गुजर के ही निकलेगा अगर ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है तो। अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है तो, अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो मैं पता है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो अब चेक कर ले, बात कर लेते हैं डोमेन की। जैसे वाई की वैल्यू तो मैं पता है कितनी भी हो सकती है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 1,
और एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, यानी कि एक्स जो है वो रियल हो सकता है, कुछ भी एक्स रियल नंबर के बराबर है। तो बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि एक्स जो है वो रियल नंबर होगा। अब एक और मजेदार चीज मेरे को याद आ गई यहां पे, जो आपको बतानी जरूरी है कि अगर मैं यहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लू, सपोज करो, या इसी केस में ले लेते हैं, तो कहां पे लिखें, यहां पे लिख देते हैं, अगर y इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर, सपोज करो माइनस 1 लगा दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी ना, तो ये 0.0 समथिंग हो जाएगी, या 0. समथिंग कुछ भी, 0.0 समथिंग या 0. समथिंग हो जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू -2 ले लूं तब भी 0.00 समथिंग हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू जो है मेरी, जो y है, y cannot be zero, cannot be zero, y कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये यहां पे लिख देते हैं कि अगर y is equal to a की रेस टू पावर x है, तो y जो होगा इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव, y जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, y कभी भी जीरो ना नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और a जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो ये सारी conditions एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ओबे करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि मैं यहां पे ये वाले फंक्शन अगर मतलब 5 की रेस टू पावर मैं 100 भी कर दूंगा, देखो y is equal to 5 की रेस टू पावर 100 भी कर दूं, तो माइनस 100 कर दूं, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 की रेस टू पावर 100, तो 0.00000 समथिंग कुछ ना कुछ आएगा जरूर, जीरो एग्जैक्ट नहीं जाएगा। यानी कि ये कर्व जो है इसको जितना मर्जी पीछे खींच लो नेगेटिव में जितना मर्जी, पर ये टच नहीं करेगी, इट विल नॉट टच द एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच बिल्कुल ही नहीं करेगी। तो ये था बेटा एक्सपोनेंशियल को समझना। अब मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्सपोनेंशियल है वो इस फॉर्म में होता है, जहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, एक्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको यह पता चल जाएगा कि वाई जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं, ठीक है। तो उसकी ये तीन फॉर्म हमने यहां पे डिस्कस करी, जिसमें सारी वैल्यूज देख लो a 5 e ये सारी 1 से बड़ी है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 1 एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब भी x की वैल्यू यहां पे 0 होगी तो एक पॉइंट जो है वो ग्राफ में फिक्स्ड है। सो दिस इज पॉइंट फिक्स्ड इन every exponential graph, किसी भी exponential graph का ये fixed point है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सारा जो हमने study किया था। अब हम करते हैं कि differentiation कैसे करेंगे exponential function, ये तो concept समझ लग गई हमें कि exponential function basically है क्या, उसकी domain क्या है, उसकी range क्या है, उसकी conditions क्या है, वो हमें पता चल गई। अब हम बात करेंगे कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए इसको मिटा देते हैं पहले, तो मैं कुछ बेसिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन यहां पे करके बताऊंगा, उसके बाद एक दो सम आपको यहां पे सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं अब कुछ बेसिक फंक्शंस, जैसे अब मैंने आपको बताया कि f ऑफ x जिसको आप y भी ले लेते हो, y इज इक्वल टू 5 की रेस टू पावर x हो, या y की वैल्यू e की रेस टू पावर x हो, या y की वैल्यू a की रेस टू पावर x हो, किसी भी केस के अंदर हम इन तीनों को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे अगर a ग्रेटर देन 1 है, x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, और y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता। मतलब सीधा लिख रहे थे y विल बी पॉजिटिव,
वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर डी वाई बाय डी एक्स करना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए की रेस्ट टू पावर एक्स का बेटा फॉर्मूला होता है कि ए की रेस्ट टू पावर एक्स रहने दो और लॉग ए लगा दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट इज द जनरल फॉर्म, इसको समझना बहुत जरूरी। अब देखो मैं इस फंक्शन की करूं तो डी बाय बाय डी एक्स विच इज डी बाय डी एक्स ऑफ फाइव की रेस्ट टू पावर एक्स, तो वो आ जाएगा क्या, फाइव की रेस्ट टू पावर एक्स ऐसे ही लॉग फाइव। चेक कर लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये वाली वैल्यू इसमें लगाऊंगा तो डी बाय डी एक्स ऑफ ई की रेस्ट टू पावर एक्स की अगर मैं करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की रेस्ट टू पावर एक्स इंटू लॉग ई। तो एक बात मेरी याद रखना कि लॉग ई जो है बेसिकली यहां पे ना लॉग की बेस ई होती है, ये बात जरूर याद रखना। लॉग एनसीईआरटी में लॉग ई को लॉग ई लिखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं, आंसर आता है वन। काटना शो नहीं करना आपने, बेसिकली मैं बताऊंगा क्यों हमारे पास लॉग ई वन होता है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जब लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट अभी हमें यह बताना चाहिए कि लॉग ई हो या लॉग के पैर में ई और साथ में ई हो, दोनों की वैल्यू वन होती है। तो ये वैल्यू वन आ जाएगी, इसीलिए ई की रेस्ट टू पावर एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको आगे भी लिखवाया था कि ई की रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी चेंजेस। अगर y इज इक्वल टू e की रेस्ट टू पावर 5x हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, 5x को मान लेंगे t, तो y की वैल्यू आ जाएगी e की रेस्ट टू पावर t। तो अगर आप इसको करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ e की रेस्ट टू पावर t विच इज इक्वल टू e की रेस्ट टू पावर t मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, क्योंकि ये थी e की रेस्ट टू पावर x की डिफरेंशिएशन। तो e की रेस्ट टू पावर t की भी सेम जाएगी, बट जो ये रेस्ट टू पावर में था क्योंकि वेरिएबल का डिफरेंस था, मैंने आपको बताया ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, बट रेस्ट टू पावर में क्या है t, इसलिए हमारे पास dt by dx आ जाएगा। और t की वैल्यू यहां पे क्या थी 5x, तो वो पुट कर दो e की रेस्ट टू पावर 5x into d by dx into 5x, डिफरेंशिएशन आ जाएगी 5 इंटू ई की रेस्ट टू पावर 5x, क्योंकि 5x की डिफरेंशिएशन होती है 5, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। चलो एक और करते हैं, अगर y इज इक्वल टू ई की रेस्ट पावर माइनस 5x हो जाए तो माइनस 5x को t मान लो, तो माइनस 5x विल बी इक्वल टू t, तो y की वैल्यू वही हो जाएगी ई की रेस्ट टू पावर t। तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की रेस्ट टू पावर टी, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी हमारे पास ई की रेस्ट टू पावर टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, तो टी की वैल्यू पुट कर दो ई की रेस्ट टू पावर माइनस 5x इंटू डी बाय डी टी की माइनस 5x, तो x उड़ जाएगा x आएगा, तो माइनस 5 बच जाएगा, तो आएगा माइनस 5 ई की रेस्ट पावर माइनस 5x रेस्ट पावर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से बेटा आप सम सॉल्व कर सकते हो अपने। एक मैं यहां पे और सॉल्व कर देता हूं आपको, ग्रीन पेन से, कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए की रेस्ट पावर 4x आ जाए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, पुट कर देंगे 4x is equal to t के बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी e की रेस्ट टू पावर t, तो dy by dx ब्लैक से कर देता हूं यार, देखिएगा तो dy by dx is equal to d by dx of e की रेस्ट टू पावर t, e की रेस्ट टू पावर t जब करोगे तो आ जाएगा e की रेस्ट टू पावर t into log a, तो डिफरेंशिएशन t के साथ में जाएगी बिकॉज वेरिएबल डिफरेंस है। अगर x होता तो dx by dx लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अब वेरिएबल डिफरेंस है इसलिए हमारे पास t by x है, तो dy by dx की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब d की वैल्यू पुट कर दो, a की रेस्ट टू पावर 4x log a,
फोर एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा फोर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसी की तरह जगह पे अगर माइनस भी फोर हो तो यहाँ पे खाली कुछ नहीं आएगा, माइनस फोर इधर आ जाएगा, माइनस फोर इधर आ जाएगा, बाकी सारा फंक्शन क्या रहेगा सेम। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कर सकते हो सॉल्व। सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम बुक आपकी ले लेते हैं और दो चार क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके लिए मिटा देते हैं पहले। तो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है फर्स्ट सम की, तो इसमें आपको ये तो देखिए रहा है कि दो फंक्शन का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल, तो डिवाइड रूल क्या होता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है dy by dx, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फंक्शन जो है वो आपका u by v की फॉर्म में है, u by v की फॉर्म में, तो आप क्या करते थे पहले v का स्क्वायर, u की डिफरेंशिएशन v एज इट इज माइनस v, सॉरी u एज इट इज और v की डिफरेंशिएशन, ठीक है। डैश को डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास u जो है वो है e की रेस्ट टू पावर x, तो dy by d, सॉरी du by dx, du by dx जिसको हम u डैश भी बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू d by dx ऑफ e की रेस्ट टू पावर x, जो कि e की रेस्ट टू पावर x के बराबर ही आएगा। इट मींस कि u डैश की वैल्यू e की रेस्ट टू पावर x ही है, ठीक। तो अब v की वैल्यू देख लेते हैं, इट इज इक्वल टू sin x, तो साइन एक्स को हम अगर डी वी बाय डी एक्स करें, यानी कि वी डैश इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स के बराबर, यानी कि वी डैश की वैल्यू आ गई कॉस एक्स। तो ये वैल्यू यहां पर लगा देते हैं हम ऊपर। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इन आवर केस, यू डैश की वैल्यू क्या थी, ई की रेस्ट टू पावर एक्स, वी की वैल्यू थी साइन एक्स, माइनस यू ई की रेस्ट टू पावर एक्स, और वी डैश की वैल्यू थी कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या था, वी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। सो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आप इजीएस्ट वे में अपने आंसर निकालो और किसी को कोई दिक्कत ना। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, जो कि बहुत ही आसान है पर देखने में कई बार जो है वो डरा देता है। एक्चुअली क्या है कि डिफरेंशिएशन के अंदर अगली एक्सरसाइज करो तो उसमें पिछले के कॉन्सेप्ट आएंगे आएंगे। जैसे अभी जो सेकंड सम है उसकी स्टेटमेंट देख लो, टू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई की रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स एक्स। अब वाई की रेस्ट टू पावर में साइन इनवर्स एक्स लगा दिया, बोलो क्या करेंगे। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ई की रेस्ट टू पावर में एक्स के अलावा कोई भी चीज आती है तो उसको क्या मानना है, टी मानना है, तो टी मान लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। जैसे अब y इज इक्वल टू ई की रेस्ट टू पावर t मान लो, जहां पे t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करूं dy by dt, सॉरी dx, इट विल बी इक्वल टू यही सेम फंक्शन और t की डिफरेंशिएशन यही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं dt by dx यहां से निकालूं तो t की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो वो वैल्यू यहां पे लग जाएगी, और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू तो ई की रेस्ट पावर साइन इनवर्स एक्स, और साथ में आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, तो इट विल बी इक्वल टू ई की रेस्ट पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो अभी हम आपकी आपका जो है एक और क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली सिक्स्थ क्वेश्चन मैं यहां पे सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करोगे। सिक्स्थ से पहले आई थिंक सो फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना वो मेरे को थोड़ी सी अलग लग रही है, तो मैं चाहता हूं वो भी आपको सिखा ही दूं। अब इसके अंदर बेटा चेन रूल बड़ा जबरदस्त लगने वाला है, बाहर है साइन अंदर है टेन इनवर्स और एंगल के अंदर है हमारा एक्सपोनेंशियल ई की रेस्ट टू पावर माइनस एक्स।
तो बताओ इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। हाँ ये छोड़ जाता है ना, तो फोर्थ मैंने कहा कि आपको करवाना ही करवाना है, सो दैट कि आपको जो है फंक्शन सॉल्व करने में बिल्कुल डिफिकल्टी ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सबसे बाहर है आपको पता उसकी डिफरेंशिएशन पहले होती है, तो जो भी अंदर लगा है सपोज इट एज टी, टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई की रेज टू पावर माइनस एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा आपका, वाई विल बी इक्वल टू साइन एक्स सॉरी साइन टी। अब साइन टी की डिफरेंशिएशन अगर डी वाई बाय डी एक्स करो तो वो आ जाएगी कॉस टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन और भूल जाओ डी टी बाय डी एक्स पहले निकाल ही लें। चलो आ जाओ भाई, डी टी बाय डी एक्स निकालोगे तो टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। अब देखो ध्यान से इसको देखो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, अब डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई की रिस्ट पावर माइनस एक्स। अब यहां पे हमें एक्स का फॉर्मूला पता है तो हम ई की रिस्ट पावर माइनस एक्स को यहां पे सपोज कर लेंगे यू के बराबर, तो ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस यू स्क्वायर, टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन यही होती है ना, और जो u था क्योंकि चेंज इन वेरिएबल है तो डी यू बाय डी एक्स साथ में लगेगा ही लगेगा, तो u की डिफरेंशिएशन साथ में कर लेते हैं। तो डी यू बाय डी एक्स अगर आपको निकालना है तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी e की रेज़ टू पावर माइनस एक्स की, तो e की रेज़ टू पावर माइनस एक्स की अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो तो आ जाएगा e की रेज़ टू पावर माइनस एक्स डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू माइनस वन, यानी कि माइनस ई की रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये होगी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे लगाओ पहले, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, वन बाय अब यू की वैल्यू भी लगा दो इसमें, वन प्लस ई की रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स, ठीक है स्क्वायर करोगे बोथ साइड में तो ये हो जाएगा, और du बाय dx की वैल्यू आएगी माइनस ई की रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये सारी वैल्यू उठा के यहां पे लगाओ तो dy बाय dx की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई की रेज़ टू पावर माइनस एक्स cos t की वैल्यू क्या थी यहां पे, tan इनवर्स e की रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये सारी वैल्यू t की ही थी तो t की जगह पे लगा दी, और नीचे क्या आ रहा था ये 1 प्लस ई की रेस्ट टू पावर माइनस टू एक्स, ये बेटा हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपको डिफरेंशिएशन जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी और आपके आंसर जो है वो इसी तरीके से आएंगे। सो आई जस्ट वांट यू कि आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, ज्यादा घबराइए मत, घबराओगे तो आंसर जो है वो गलत आने के चांसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, वैसे तो 90% लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ बिकॉज ये चेन रूल लगा है खाली, पहले मैंने इसको t माना फिर इसकी वैल्यू में इसको u माना, तो इसको सॉल्व करके इसमें वैल्यू डाली, इसको सॉल्व करके इसमें वैल्यू डाली बस। और अगर नहीं समझ आता तो 9023241122 पे मेरे को फोन करना है और बता देना है जो भी आपकी दिक्कत होगी, या व्हाट्सएप मैसेज करने का, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है तो मैं देख लूंगा। तो अभी हम करते हैं अपना सिक्स्थ सम जिसकी मैंने बात की, तो सिक्स्थ सम की स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है, सम भी बहुत ईजी है वो तो। तो सिक्स्थ सम जो है उसकी स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू e की रेज़ टू पावर x प्लस e की रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस e की रेज़ टू पावर x क्यूब अप टू सो ऑन, e की रेज़ टू पावर x की रेज़ टू पावर 5। तो बेटा अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy वाई बाई डी एक्स यहां पर सीधा ही लगा दो, यहां पे यू वी वाला चक्कर छोड़ो। अब ये तो मुझे पता है कि पहले की डिफरेंशिएशन होगी e की रेज़ टू पावर x, फिर दूसरे की डिफरेंशिएशन होगी e की रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस फिर तीसरे की डिफरेंशिएशन होगी e की रेज़ टू पावर x क्यूब अप टू सो ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ e की रेज़ टू पावर x 5। तो आपको यह करना है कि ये सारे फंक्शंस एज इट इज लिख के इसकी डिफरेंशिएशन साथ में लगा, जैसे e की रेज़ टू पावर x है तो उसकी तो हमें पता है e की रेज़ टू पावर x की आएगी डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू e की रेज़ टू पावर x स्क्वायर आएगी और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन साथ में जाएगी। अब इसमें भी e की रेज़ टू पावर x क्यूब ऐसे जाएगी और x क्यूब की डिफरेंशिएशन जो भी रेज़ टू पावर में है अगर वो x के अलावा कुछ भी है तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में लगा दो,
अगर x है तो छोड़ सकते हो, अगर x के अलावा कुछ भी है तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में लगेगी, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x की रेस्ट टू पावर 5। तो dy बाय डी एक्स आ गया, तो dy बाय डी एक्स की फाइनल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, e की रेस्ट टू पावर x आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की क्या होगा, 2x e की रेस्ट टू पावर x स्क्वायर, x क्यूब की होगी 3x स्क्वायर e की रेस्ट टू पावर x क्यूब, अब टू सो ऑन 5x की रेस्ट टू पावर 4 e की रेस्ट टू पावर x 5। तो ये बेटा आपका आंसर है। मतलब बेसिकली घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टेटमेंट देख के कई बार लगेगा आपको यार ये क्या बंगा डब गया मेरे लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी फंक्शन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें, राइट। तो मैं ऐसा करता हूं, 7th सम भी आपको सॉल्व कर ही देता हूं, वैसे 7th तो आप कर सकते हो खुद अपने आप, पर चलो कोई बात नहीं, फॉर द मैनकाइंड हम सॉल्व कर देते हैं आपको e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट एक्स। तो भैया इसको सॉल्व करना जो है ना बहुत ही मजेदार काम है, बड़ा ब्यूटीफुल सवाल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर देखो, मैं अंदर वाली चीज को टी मान रहा हूं, फिर से e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टी को लिख सकते हो 1/2। तो डिफरेंशिएशन जब करोगे 1/2 आगे आ जाएगा, t रेस्ट टू पावर में चला जाएगा 1/2 -1। अब 1 को मान लो रोटी, पूरी रोटी में से आधी रोटी खा लोगे तो बचेगी कितनी, आधी, पर आधी कौन सी बचेगी, ग्रेटेस्ट फिगर साइन क्या है, माइनस, यहां पे आ जाएगा 1/2 t की रेस्ट टू पावर -1/2। तो dy बाय dx अगर करोगे तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट टी। ये तो हो गई डिफरेंशिएशन, बट इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ में लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ जो फंक्शन है, बेसिकली जो तुमने किया है अंदर वाले फंक्शन की, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द वेरिएबल, टी के साथ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डी टी बाई डी एक्स तो आएगा ही। तो अब क्या करना है, इसको यहां पे वन मान के छोड़ देते हैं, टी की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, तो पहले यहां पे टी निकाल लें, तो d बाय डी एक्स ऑफ e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट एक्स है। अब फिर चक्कर है कि अगर मैं अंडर रूट एक्स को फिर से u मान लू तो d बाय डी टी डी टी बाय डी एक्स करूंगा तो मेरे पास e की रेस्ट टू पावर जो है वो ऐसे आ जाएगा ना, d बाय डी एक्स ऑफ e की रेस्ट टू पावर u, तो e की रेस्ट टू पावर u तो आएगा, साथ में du बाय dx भी आएगा। तो अब मेरे को पता है कि u की वैल्यू अंडर रूट x है, जैसे कि यहां पे मेरे पास ध्यान से देखो y की वैल्यू अंडर रूट t थी, तो जब मैंने उसकी डिफरेंशिएशन करी तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, डिफरेंशिएशन करने के बाद 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा यहां पे। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट करो तो इधर क्या बन जाएगा, e की रेस्ट टू पावर u में अंडर रूट x, और साथ में आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x। ये वाली वैल्यू जो तुम्हारी dt बाय dx की है ये इधर लगाओ और ये t की वैल्यू इधर से लगाओ, तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट x। इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, देखो नीचे अंडर रूट है ऊपर अंडर रूट के बिना है, तो आप इस टर्म को जो है वो कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x इनटू अंडर रूट e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x डॉट 1/2 अंडर रूट x। तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट e की रेस्ट टू पावर अंडर रूट x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जितना मर्जी आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते जाओ, बट आपका आंसर यहां तक भी छोड़ोगे तो चलेगा। तो बेटा ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो मैं आपको बताने चाह रहा था। तो जैसे 2 × 2 यहाँ पे बेटा 4 भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप सम सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत है नंबर आपको पता है, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, तो जस्ट कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ और सम्स करते रहो, सो दैट कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपको सिलेबस की टेंशन ना हो। बाकी अगर बाद में भी कोई दिक्कत आएगी तो भैया कॉल कर लेना,
ठीक है, साथ देने को मैं आऊं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ओके बाय।